सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आज। विकास को गति देने और रोजगार बढ़ाने के लिए आर्थिक नीति की रूपरेखा पर होगी चर्चा। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, नीति आयोग के अधिकारियों और उद्योगपति के भी हिस्सा लेने की उम्मीद। बिहार के 16 जिलों में दिमागी बुखार की चपेट में 600 से ज्यादा बच्चे, अब तक 139 बच्चों की मौत। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 127 मौतें। दक्षिण बिहार के 3 जिलों में भीषण गर्मी और लू से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश किए जारी। आतंकी फंडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने में विफल रहा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा बरकरार। कहा, ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए आतंकियों को वित्तीय मदद के खिलाफ अक्टूबर तक ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश देने के बाद करीब 150 लोगों के मारे जाने की आशंका के मद्देनजर बदला फैसला। ईरान का अमेरिकी हमले की चेतावनी मिलने से इनकार। और क्रिकेट विश्व कप में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला आज। साउथहैम्पटन में जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगी भिड़ंत। लीड्स में मलिंगा की घातक गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका की मेजबान इंग्लैंड पर 20 रनों से शानदार जीत। खबरें विस्तार से। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में विकास को गति देने और रोजगार बढ़ाने के लिए आर्थिक नीति की रूपरेखा पर चर्चा होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, नीति आयोग के अधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योगपतियों के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। बैठक का आयोजन नीति आयोग कर रहा है। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, कृषि और निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए भी रणनीति बनाई जा सकती है। बजट से ठीक पहले होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है। कल दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में उन्होंने लक्ष्य पूरा करने में केंद्र की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र के पूरे समन्वय के बिना तय लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट 5 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। पिछले 1.5 साल में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। नतीजा ये हुआ है कि अब इस क्षेत्र में ज्यादा पारदर्शिता है और ये पहले से ज्यादा संगठित है। लेकिन अब भी रियल एस्टेट क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, जैसे घर बने हुए हैं लेकिन उन्हें खरीदने वाले नहीं है, घर बनाने की लागत भी आसमान छू रही है। ऐसे में देखते हैं कि सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं। सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा एंड जीएसटी जैसे प्रावधानों को लाकर इसका कायाकल्प ही कर दिया है। अब ये पहले से ज्यादा पारदर्शी और संगठित हो गया है। सरकार चाहती है कि 2022 तक सबके पास घर हो। इस लक्ष्य ने सस्ते और कम बजट में आने वाले घरों की ओर बिल्डरों का ध्यान आकर्षित किया है। अब इस सेक्टर की मांग है कि सभी प्रदेशों में रेरा को लेकर समानता हो, रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा मिले।
सभी तरह की अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो हो और बाजार में बनावटी रूप से दामों के उछाल पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाएं। Programs at the macro level have really helped in the last 5 years, and now I think they will become even more realistic. So price of properties will stabilize and come down probably in most of the unrealistic places. Maybe property will become a little bit more affordable now in the coming time. अपने अंतरिम बजट में सरकार ने इस सेक्टर के लिए कई उपाय किए थे, जैसे किराए न मिलने वाली रकम पर लगने वाले टैक्स पर टीडीएस की सीमा का निर्धारण, कैपिटल गेन टैक्स में छूट और घर कर्ज पर मिलने वाले टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाना। घर खरीदने के इच्छुक लोग चाहते हैं कि सरकार इन प्रावधानों को आगामी बजट में भी जारी रखे। लोन लेता है, लोन मिल भी जाता है, टैक्स भी लेता है उनसे, उनको कुछ फायदा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उनसे। इसलिए मैं ही चाहता हूँ, गवर्नमेंट सुपरिश करता हूँ, उनके टैक्स रिलैक्सेशन कर दिया जाए, उनके कोई सुविधा दिया जाए टैक्स के लिए। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस रफ्तार से साल 2040 तक ये 5 गुना बढ़कर $650 बिलियन का उद्योग बन जाएगा और देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा जरिया होगा। साथ ही जीडीपी में इसका योगदान बढ़कर 13% तक हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर इस तेजी का एक बड़ा जरिया बन सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की कल पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कई जीएसटी नियमों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स घटाने के मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया है। ये कमेटी ईवी पर जीएसटी में कमी पर फैसला करेगी। जीएसटी काउंसिल ने ई इनवॉइसिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। लॉटरी पर एक समान टैक्स रेट तय करने और सिंगल पॉइंट रिफंड सिस्टम और ई चालान जारी करने के लिए कंपनियों के लिए समान व्यवस्था बनाने पर फैसला होने की उम्मीद है। I was quite happy that the environment was very conducive, good, meaningful discussions happened, absolutely to the point discussions. And across the board, there seemed to be a very solid understanding on the issues related to the GST. It was such a very heartening experience to be here. GST rate on sale of electric vehicles from the current 12% to 5%, and also the GST rate on the electric chargers, where the leasing of electric vehicles. So reducing rate on that GST on the leasing of the electric vehicles. So all these three proposals have been sent to the fitment committee. और अब खबर बिहार से है, जहां मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को AES यानी दिमागी बुखार से 3 और बच्चों की मौत के बाद बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के अनुसार ये तीनों मौतें सरकारी SKMCH अस्पताल में हुई, जहां 1 जून से अब तक 104 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इस बीमारी से होने वाली मौतों के संबंध में पूरे राज्य के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें कुल मौतों की संख्या 136 बताई गई थी। ये बीमारी 16 जिलों में फैल चुकी है और 600 से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले में अब तक सबसे ज़्यादा 127 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा भागलपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में भी दिमागी बुखार से बच्चों की मौतों के मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में आज बारिश की खबर है और डॉक्टरों का कहना है कि इससे दिमागी बुखार के मामलों में कमी आएगी। राज्यसभा टीवी संवाददाता पंचानन मिश्रा ने मुजफ्फरपुर के उन गांव का जायजा लिया जहां दिमागी बुखार से कई बच्चों की मौत हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं वैशाली जिले के हरवंशपुर गांव में, और हरवंशपुर गांव में जो चमकी बुखार था यानी इंसेफ्लाइटिस था, उसका कहर कुछ इस तरह था कि यहाँ करीब 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद ये हुआ कि गाँव के लोगों ने अपने बच्चों को आस पास के जो बड़े इलाके हैं, चाहे पटना हो,
या फिर आसपास के इलाके वहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एक घर ये देखिए जहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ इस घर में कम से कम 8 बच्चे थे जो छोटे थे और जिनको एहतियातन यहाँ के जो घर के लोग थे उन्होंने दूसरी जगह यानी पटना ले गए, इसे चले गए। और देखिए अब सिर्फ बुजुर्ग लोग घर बचे हुए हैं। क्या नाम है आपका, बच्चे कितने थे, कहाँ चले गए? बच्चे 4 बच्चे थे, 4 बच्चे संध्याना थे भी। अच्छा, और अकेले हम मान के चलते रह गए हैं। क्या आ रहा है, क्या कारण है? एईस की वजह से ही है, इंसेफ्लाइटिस। हाँ, यही एईस ही है मेन करके कारण से बच्चा का डेथ हुआ। यहाँ 5-6 बच्चा का डेथ हुआ, लेकिन यहाँ हज भगवानपुर हॉस्पिटल नहीं है, सब मुजफ्फरपुर बगरा में। तो अब क्या करते हैं यहाँ कर एम्बुलेंस लाकर आप लोग, क्या कैसे देखभाल करते हैं? यहाँ एम्बुलेंस का बच्चा बीमार पड़ा जाए सब उसको। और बुखार जो यहाँ पर चमकी है यानी कि इंसेफ्लाइटिस है, उसका डर बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग आप बताएंगे, वैसा भी बताइए यहाँ पर गांव में लगभग कितने बच्चों की डेथ हुई? इस मोहल्ला में, मोहल्ले की बात कर रहे हैं, इस मोहल्ला में 4 बच्चे की डेथ हुई है और इसके बाजू के गांव में भी हुआ है और इधर बाजू में भी हुआ है। लोग घर छोड़ कर चले गए, कितने परिवार ऐसे हैं जो चले गए जिन्होंने बच्चों को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह? करीब 20-25 के आसपास परिवार लोग बच्चे लेके चले गए हैं यहाँ से। जी, डर बना हुआ है सभी के अंदर में कि हमारे बच्चों को भी ऐसा भी नहीं हो जाए और मेरा बच्चा भी डेथ ना कर जाए। इसी वजह से यहाँ बच्चे लेके सिर्फ बूढ़े लोग हैं, हस्बैंड लोग हैं, जिसके पास मवेशी है, माल है, वो यहाँ पर है देखने के लिए उसको। और बाकी वाले सब है, लेडीज और बच्चे लोग सब यहाँ से अपने मायके या कहीं दूसरे जगह बाहरे पे रूम में रह रहे हैं। तो ये इंसेफ्लाइटिस का यहाँ पर लगातार खतरा बना हुआ है। उसका कारण ये है कि इंसेफ्लाइटिस की जो वजह है वो बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी या उमस के कारण जो है बच्चे बीमार पड़ते हैं, उसके बाद जो उसके सिम्टम्स है वो दिखाई पड़ते हैं और जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता दूर जाते हैं मुजफ्फरपुर, अगर वहाँ पर समय पर इलाज नहीं मिल पाता तो उनकी मौत हो जाती। यही वजह है कि गांव से जो है बहुत तेज़ी से बच्चों को हटाया जा रहा है, एक तरह से कही है कि पलायन भी किया जा रहा है और इंतज़ार इस बात का है कि मौसम जब ठीक हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो बच्चों को वापस लाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में वैशाली ज़िले के हरिवंशपुर से अमरिंद के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीम। और हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता पंचानंद मिश्रा का। पंचानंद, आप मुजफ्फरपुर का दौरा करके लौटे हैं और आपने, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि लोगों में किस तरह का डर है, लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। ज़रा बताइए, क्या मामलों में अब धीरे धीरे कमी आ रही है या स्थिति वैसी ही बनी हुई है? डॉक्टर कह रहे हैं कि बारिश होने के बाद जो दिमागी बुखार के मामले हैं उनमें कमी आएगी, अस्पतालों में जो इंतज़ाम है वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, क्या हालात अभी हैं? देखिए प्रीति, क्या है कि जो अस्पतालों में जो भर्ती हैं वो तो चिंताजनक स्थिति में है ही, लेकिन एक जो राहत की बात ये है कि एडमिशन्स में कमी आई है। यानी कि पहले जो एडमिशन लगातार कभी 35 कभी 40 हुआ करते थे वो गिरकर 10 से 15 हो गए हैं। कई एक बार तो जो 2 दिन पहले की बात है जब वो 9 हो गए। एक और राहत की बात यह है कि मौसम में बिल्कुल ठंडापन आ गया है, यानी कि आसपास के इलाकों में मुजफ्फरपुर के बारिश हुई, मुजफ्फरपुर के कुछ गांव में भी हल्की बारिश कल रात में हुई, तो ये एक सबसे बड़ी राहत की बात है। क्योंकि देखा गया है कि सिर्फ गर्मी ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ग्लूकोज की कमी होती है और उनको ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। तो बारिश सबसे राहत की चीज है, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर केंद्रीय मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि मुजफ्फरपुर का जो क्लाइमेट है वो कुछ ऐसा है कि बारिश से राहत मिलेगी। तो ये पलायन तो हुआ है क्योंकि बच्चों की जान बचानी है और हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो अपने आप में चिंता की बात है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब नए मरीज शायद उतने ना हो या उनमें बिल्कुल बहुत तेजी से गिरावट आएगी। ये पिछली बार भी देखा गया, 2014 में भी देखा गया था। तो ये एक पलायन इसलिए हुआ क्योंकि लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन अब हमने ये देखा कि देर से ही सही, पहले लापरवाही हुई थी इस बात को सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों ने वहां पर जो अस्पताल प्रशासन है उसने ORS के पैकेट बंटवाए हैं। अच्छा। गांव-गांव में हर रात में भी जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन अब ये जागा है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी और प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाया जाएगा। और उम्मीद ये है कि अगर बारिश तुरंत हो जाती है आजकल में, तो फिर ये जो मौतों का सिलसिला ही रुक जाएगा। अच्छा, ठीक है पंचानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। जानलेवा गर्मी से राज्य के 3 जिलों गया, नवादा और औरंगाबाद में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गया में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भीषण गर्मी के हालात से निपटने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष के मुताबिक हीट स्ट्रोक से अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें औरंगाबाद में हताहतों की संख्या सबसे ज्यादा 58, गया में 39 और नवादा में 14 है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में तनावपूर्ण स्थिति के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एस एस अहलूवालिया की अगुवाई में बीजेपी का 3 सदस्यीय एक दल आज हिंसाग्रस्त भाटपाड़ा का दौरा करेगा, जहां कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े दो गुटों के बीच झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एस एस अहलूवालिया के साथ सांसद सत्यपाल सिंह और बी डी राम भी होंगे। ये प्रतिनिधिमंडल पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो टेरर फंडिंग को रोकने के अपनी कार्ययोजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पास अब अक्टूबर तक का समय है। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं होता है तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF उसे डाउनग्रेड करके ब्लैकलिस्ट में डाल देगी। शुक्रवार को खत्म हुई FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग पर अपने एक्शन प्लान को पूरा करने में विफल रहा है। FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने या फिर कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब नहीं होता है तो उसे ब्लैकलिस्ट में डाला जा सकता है। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, FATF ने पाकिस्तान को पिछले साल ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को हर साल करीब $10 बिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा है। हम जानते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था की हालत फिलहाल दयनीय कहे तो गलत नहीं होगा। अब क्या माना जाए, ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की आशंका, उसके पहले ये आखिरी चेतावनी? निश्चित तौर पे देखिए, जून 2018 में ही पाकिस्तान ने कमिटमेंट किया था कि वो ग्रे लिस्ट में जाने के समय, डाले जाने के समय जो जो शर्तों को उन्हें पूरा करना था जिससे वो ग्रे लिस्ट में निकल सकते थे, उन शर्तों को एक साल के अंदर उन्होंने पूरा नहीं किया है। और जो 16 जून से लेकर 21 जून तक 6 दिनों की बैठक थी FATF की, और 6 दिनों की बैठक के बाद हालांकि उन्हें ब्लैकलिस्ट में अभी नहीं डाला गया है, लेकिन 10 सूत्री उनके चेतावनी दी गई है और उनको 10 सूत्री बताया गया है 10 पॉइंट में कि किस किस तरीके से वो विफल रहे हैं। उसमें आपको मैं बताऊं कि वो इस बात ने भी कहा है FATF ने कि उन्हें समझदारी का भी अभाव है, उसके अलावा उन्होंने सुपरविजन नहीं किया है कि रिस्क किस जगह से आ रहा है, उन्होंने सैंक्शन जो किए गए थे जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन पे, सैंक्शन पे काम नहीं किया है। यह भी कहा गया है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी जो उनकी है, जो जो फिनेंशियल जो ट्रांजेक्शन उस पर रोक लगाती है, वो नहीं काम कर रही है। उसके अलावा उन्हें जो यह भी कहा गया है कि जो कैश कुरियर्स होते हैं जो कि पैसा इधर से उधर करते हैं, पैसा लेकर आतंकवादियों को देते हैं, वो कैश कुरियर्स की पहचान नहीं की गई है। उसके अलावा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान में नहीं है, जैसे कि कहे कि ISI हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इनके बीच में टेरर फंडिंग को लेकर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में विफल रही है सरकार, पाकिस्तान की सरकार की टेरर फंडिंग का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होना चाहिए उसमें विफल रही है। उसके अलावा यह भी कहा है कि जो जुडिशियरी है पाकिस्तान की, जुडिशियरी को भी पूरी तरह इस बात की आजादी नहीं दी गई है और जुडिशियरी भी एक तरीके से कैपेबल नहीं है कि वो टेरर फंडिंग के खिलाफ काम कर सके। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर जैसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई केस नहीं किया गया है। और उसके अलावा यह भी कहा गया कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ, उनके रिसोर्सेज को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पाकिस्तान ने यह कहा कि 700 हम प्रॉपर्टीज के खिलाफ LET हो या JEM हो, जमातुल दावा हो या फलह मोहम्मद हो, इनके 700 प्रॉपर्टीज को हमने जब्त किया है, लेकिन FATF ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को कि अगर अक्टूबर तक आप नहीं संभलते हैं तो आप तैयार रहिए, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा
और ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का मतलब यह है प्रीति कि समझिए कि उनके खिलाफ एक तरीके से सैंक्शन, जिस तरीके से आप देखती है कि सैंक्शन ईरान पे लगा हुआ है, उस तरीके का सैंक्शन की स्थिति बन गई पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो अभी बिल्कुल दिवालियेपन की स्थिति में बना हुआ है, उस दिवालियेपन की स्थिति और कितनी भयावह होगी आप समझ कल्पना नहीं कर सकती है। बिल्कुल। तो एक तरह से कहें कि एफएटीएफ ने जो कल रात में जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, जो निर्णय पाकिस्तान को सुनाया है, इसके बाद पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है निश्चित तौर पे। चीन ने हालांकि तत्कालिक तौर पे चीन, तुर्की और मलेशिया ने उन्हें ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया है, लेकिन अक्टूबर के बाद इन तीनों देशों के सामने भी कोई उपाय नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद ने सभी देशों को परेशान किया है, वैसे में पाकिस्तान को अब और रोकना ब्लैक लिस्ट में जाने से मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा। और एफएटीएफ की अगली जो अक्टूबर की मीटिंग है, वह मीटिंग काफी काफी संगीन होगी पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा एक बात मैं बता दूं कि भारत का भी प्रतिनिधित्व हुआ था एफएटीएफ की बैठक में, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अधिकारी के नेतृत्व में पूरा डोजियर दिया गया था एफएटीएफ को कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ और अन्य देशों के खिलाफ भी आतंकवाद फैलाता है और अपने यहाँ जो आतंकवादी हैं उनके वित्तीय पोषण करने को रोकने में कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि इस सब का नतीजा है कि पाकिस्तान को इस तरह की चेतावनी और गंभीर चेतावनी मिली है। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए अखिलेश सुमन आपका। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब अमेरिका ने ईरान पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के शक्तिशाली सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने आदेश वापस भी ले लिया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने करीब 150 लोगों के मारे जाने की आशंका के बाद 10 मिनट पहले रोककर सैन्य कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमले की चेतावनी मिलने से इनकार किया है। They came and they said, sir, we're ready to go. We'd like a decision. I said, I want to know something before you go. How many people will be killed? In this case, Iranians. Mm-hmm. I said, how many people are going to be killed? Sir, I'd like to get back to you on that. Great people, these generals. They said, came back, said, sir, approximately 150. And I thought about it for a second. I said, you know what? They shut down an unmanned drone, mm-hmm. plane, whatever you want to call it. And here we are sitting with 150 dead people that would have taken place probably within a half an hour after I said, go ahead. Yeah. And I didn't like it. I didn't think it was proportionate. भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े घटनाक्रमों के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर शुक्रवार को चिंता जाहिर की। उसने ओपेक के मुख्य सदस्य देश सऊदी अरब को तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत में गुरुवार को करीब 5% का उछाल दर्ज किया गया, जो जनवरी के बाद से सर्वाधिक है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी के पेट्रोलियम मंत्री खालिद अल फलीह से हालात पर चर्चा की। प्रधान ने ट्वीट किया कि सऊदी अरब के ऊर्जा, उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री खालिद अल फलीह से फोन पर बात हुई। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का जापान दौरा 27 से 29 जून के बीच होगा। प्रधानमंत्री के G20 सम्मेलन में शामिल होने के बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यह छठा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और सुरेश प्रभु G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के शेरपा होंगे। प्रधानमंत्री G20 की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। इसके अलावा ऊर्जा, वैश्विक वित्त स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षीय संगठनात्मक सुधार के मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान के ओसाका शहर में 27 से 29 जून के बीच G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। ब्रिटिश हेराल्ड के पोल में पाठकों ने दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर 25 शख्सियतों में 4 का चुनाव किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, 18.1% लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया और वो चौथे स्थान पर रहे।
तीसरे स्थान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, उन्हें 21.9% वोट मिले हैं। 29.9% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे। वहीं ब्रिटिश हेराल्ड की पोल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2019 में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना गया है। सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा 30.9% वोट मिले हैं। इस पोल में दुनिया के अन्य ताकतवर नेताओं को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के जुलाई संस्करण के कवर पेज पर प्रकाशित की जाएगी, जो 15 जुलाई को रिलीज होगा। बात खेलों की करेंगे, बात क्रिकेट की। आईसीसी विश्व कप में आज दो अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दोपहर 3 बजे से साउथहैम्पटन के रोजबाल मैदान पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का ये 5वां और अफगानिस्तान का 6ठा मुकाबला होगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, जबकि अफगानिस्तान को एक भी जीत नहीं मिली है। दूसरा मैच न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मैच शाम 6 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्राफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपना 6ठा मैच खेलने उतरेंगी। वहीं कल खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 20 रनों से हरा दिया। श्रीलंका के 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 212 रनों पर ही सिमट गई। इस विश्व कप में श्रीलंका की यह दूसरी जीत है। लसित मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच चुने गए। बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत देश के कई हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग की तरफ से मॉनसून के आज महाराष्ट्र पहुंचने की औपचारिक घोषणा कर दी गई। हालांकि इसे मुंबई पहुंचने में अभी और वक्त लग सकता है। साथ ही मॉनसून के 4 जुलाई तक देश के 90% हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आंध्र प्रदेश पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार रायलसीमा और चित्तूर जिलों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान समूचे राज्य में लगभग 60% भाग में बारिश हुई। तेलंगाना के इलारेड्डी, कामारेड्डी, वेमुलावाड़ा और रामगुंडम में भी बारिश हुई। वहीं मॉनसून ने लंबे इंतजार के बाद ओडिशा में भी दस्तक दे दी है और सभी तटीय जिलों में बारिश हो रही है। इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। और आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज़। नमस्कार।